नमस्कार। हमारा देश जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय हमारे महापुरुषों ने एक संविधान निर्माण समिति गठित की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व के अंदर। उस समिति ने डॉक्टर साहब और उनके साथियों ने जो संविधान इस देश का लिखा, जो खाका तैयार किया, जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने परिकल्पना की इस देशवासियों की स्थिति को लेकर, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, बहुत सुव्यवस्थित थी। अधिकार दिए जनता को, अधिकार वह सारे दिए कि आप अपने बीच में से चुनकर प्रतिनिधि अपना प्रदेश की विधानसभाओं के अंदर भेजिए, देश की संसद के अंदर भेजिए, वो आपकी श्रेष्ठ नीतियाँ बनाएंगे और ठोस कानून बनाएंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं जनता के लिए बनी है, हमारे लिए बनी है, जनता के द्वारा ही बनी गई है। परंतु कुछ समय से देश के इस व्यवस्था के सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी खराबी आ गई, सिस्टम हमारा पंगु हो गया। क्योंकि वहाँ जो लोग आ रहे हैं अब वर्तमान समय के अंदर, चाहे जनता के मार्फत चुन के जा रहे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, वो भी इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं सत्ता के मद के अंदर कि उनको प्रजा का कोई हित नहीं दिख रहा है, प्रजा का कोई कार्य नहीं दिख रहा है, प्रजा की तकलीफ उनको बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। और यही हाल जिन लोगों को हमने व्यवस्था के लिए यहाँ बिठाया, चाहे कलेक्टर हो, चाहे SP हो, चाहे और विभागों के अधिकारी कर्मचारी हो, उनको हम सैलरी दे रहे हैं, जनता सैलरी दे रही है अपने व्यवस्थाओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए। ऐसा ही एक वाक्य, मैं बाड़मेर शहर की बात कर रहा हूँ, बाड़मेर शहर के अंदर भी एक सिंदरी चौराया, मैं माननीय कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या सिंदरी चौराया बाड़मेर शहर का हिस्सा नहीं? क्या यहाँ से गुजरने वाली सड़क सिंदरी सड़क वो बाड़मेर जिले की सड़क नहीं? क्या यहाँ के रहने वाले लोग इस देश के नागरिक नहीं, जो पिछले 4 वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे हैं? आज वहाँ सड़क नाम की कोई चीज नहीं है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, चाहे चौराहे से सिंदरी की तरफ जाए, चाहे चौराहे से शहर की तरफ आए, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए। पिछले 4 सालों से यहाँ के स्थानीय लोग और मैं, बहुत बार हम लोग माननीय जिला कलेक्टर महोदय को और हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस बाबत अवगत करवाया समय समय पर, परंतु आज दिन तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया पता नहीं। माननीय जिला प्रशासन के ये चेतावनी दे रहा हूँ कि सोमवार रात्रि तक सिंदरी चौराहे से बाड़मेर शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर जो बहुत बड़ा गड्ढा है एक वो, और सिंदरी चौराहे से सिंदरी की तरफ जाने वाली सड़क पर 2 बड़े बड़े गड्ढे हैं, इन गड्ढों को यदि सोमवार रात्रि तक नहीं भरा गया तो मंगलवार की प्रातः 11 बजे उन गड्ढों के अंदर मैं मेरा शरीर गाड़ दूंगा। मैं सभी शहरवासियों से भी प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि सोमवार रात्रि तक यदि इन गड्ढों को जिला प्रशासन नहीं भरता है, मैं मीडिया के भाइयों से भी आह्वान करता हूं, तो आप उस दिन 11 बजे मंगलवार को सभी सिंदरी चौराया जरूर पधारें और मेरे शरीर को उन गड्ढों के अंदर डाल के ऊपर रेत डाल दें, ताकि जो भी वाहन निकले उन वाहनों को तकलीफ नहीं हो, किसी भी कोई बहन बेटी चोटिल नहीं हो उन गड्ढों के अंदर गिर कर। तो ये मैं आह्वान कर रहा हूँ आप सबसे, और प्रशासन को एक बार पुनः चेतावनी देता हूँ कि आपके पास 3 दिन का समय है, इन 3 दिन के अंदर बाहर निकलिए। प्रजा के पैसे ले रहे हैं आप, प्रजा आपको सैलरी दे रही है, यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों ने बिठाया, इस देश के संविधान ने इसलिए बिठाया है। आप कुछ दर्द महसूस करिए, प्रजा की सुनिए, प्रजा की तकलीफें देखिए, ऑफिसों से बाहर निकलिए और सड़कों के ऊपर घूमिए, तब पता चलेगा, पैदल चलिए, पता चलेगा कि जनता कितनी तकलीफ में, कितनी दुखी है। अब बारिश का मौसम है और बारिश आ गई तो वो खड्डे दिखेंगे नहीं, ऊपर से पानी बहेगा और बहनें और बच्चियाँ स्कूटियाँ उस गड्ढों के अंदर गिरेगी और चोटिल होगी। इसलिए आप चेत जाएँ, आपके पास 3 दिन का समय है। धन्यवाद।